स्टूडेंट्स वेलकम बैक मैंने लास्ट क्लास में आपको जो पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर ले जाकर छोड़ दिया था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैटाइन फॉर्मेशन की कहानी है और अगर मैं कैटन को बनाना चाहता हूं तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल शुड बी वेरी लो अगर लो है तो ईजिली कैटन बन जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन केसेस को भी मैंने आपके साथ वहां पर डिस्कस कर लिया था इससे पहले हमने एटोमिक रेडियस उसका पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड या ग्रुप में वेरिएशन और जो जनरल ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक फैमिली पी ब्लॉक फैमिली इनको भी डिस्कस कर लिया था तो आज मैं यहां पर पीरियोडिक टेबल और इन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी पर कुछ आपको हाईलाइट कर देता हूं एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इसके अंदर जैसे सबसे पहला है मेटेलिक कैरेक्टर स्टूडेंट्स मेटलिक कैरेक्टर इसको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर और इस मेटेलिक करेक्टर बिहेवियर को ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या है ये मेटेलिक करेक्टर टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन इसको हम मेटालिक करेक्टर बोलते हैं मेटालिक करेक्टर और ऑब्वियसली कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कब इजिली रिलीज करेगा जब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी लो होगी तो इसलिए हम यहां पर मेंशन करते हैं कि जो मेटालिक करेक्टर है ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के आयोनाइजेशन एनर्जी इट मींस लो आयोनाइजेशन एनर्जी अच्छा मेटल और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इसका मतलब पुअर मेटल या नॉन मेटेलिक करेक्टर वहां पर ज्यादा होगा तो अगर मैं एल एफ पी टी में इसके ट्रेंड को सेट करूं तो ऑब्वियसली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि अलोंग द पीरियड अलोंग द पीरियड मेटेलिक करेक्टर दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस क्यों डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जैसा हम पढ़ के आए हैं बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस जेडी डबल एफ इंक्रीज होता है अलोंग द पीरियड। दैट इज टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन टू फॉर्म कैटायन डिक्रीज तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हम डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जो मेटेलिक करेक्टर है मेटेलिक करेक्टर वो इंक्रीज करता है क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है तो ये हमको पता होना चाहिए इस बेसिस पर हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं यहां पर इन एल एफ पी टी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का होगा मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स का होगा और जो मैक्सिमम नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का होगा और क्योंकि डाउन द ग्रुप चलने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो सबसे ज्यादा मेटेलिक जो है वो सीजियम है फ्रेंडशियम को हम इसलिए डिफाइन नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो मोस्ट मेटालिक नेचर ये सीजियम का है जैसे इससे रिलेटेड आपसे एक प्रॉब्लम ऐसे पूछा जा सकता है इन विच केस मैक्सिमम इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर जैसे इसमें हमको एल्यूमिनियम प्लस गिवन है एल्यूमिनियम प्लस टू गिवन है और एल्यूमिनियम प्लस थ्री गिवन है ये देखिए किस केस में सबसे ज्यादा मेटलिक करेक्टर या इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर होगा तो देखिए जो एल्यूमिनियम प्लस है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इन सभी स्पीसीज में लो है क्योंकि हम ये पढ़ के आए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है केटाइन के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है इंक्रीज होती है मतलब यहां से यहां आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस तो इसका मतलब यहां हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर को ऐसा बिल्कुल भी मत कभी गैस करिए कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर उतना हाई होगा ये रॉन्ग है यहां प्लस थ्री चार्ज है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है क्योंकि इसको बनाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा और इसलिए यहां लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर होगा और यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा ओके okay? तो ये हमसे जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर या मेटलिक करेक्टर है उसके ऊपर प्रॉब्लम पूछा जा सकता है सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ये पता कर सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं किसी भी फैमिली में जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं मैं ले लेता हूं एल्कली मेटल जो एल्कली मेटल है जैसे लिथियम इसमें अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं ये देखिए वन एस टू एंड टू एस वन तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती है इसको मैं आयोनाइजेशन एनर्जी वन या आयोनाइजेशन पोटेंशियल वन बोल देता हूं तो इससे हमको लिथियम केटायन मिल जाता है है ना ये वन एस टू बन गया अब देखिए वन एस टू ये तो नियर बाय नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन है नोबल गैस तो इससे क्या हुआ अब अगर इसमें से मुझे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीजन होगा। इसका मतलब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सब्टैक्ट करने के लिए जैसे कि देखिए 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको कहते हैं सडन जंप। सडन जम्प मतलब जब भी कभी हमको किसी भी एलिमेंट के दो जो सक्सेसिव आयोनाइेशन एनर्जीज हैं उसमें बहुत बड़ा गैप दिखता है बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है इसका मतलब अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट हो जाएगा तो देखिए जो एलकली मेटल है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट जो ये इंडिकेट करता है कि एल्कली मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वन होते हैं तो यहां पर अब लिथियम प्लस टू बनना बहुत ही डिफिकल्ट है इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी टू तो हम जब एल्कली मेटल्स के केस में देख रहे हैं एल्कली मेटल्स यहां आयोनाइजेशन एनर्जी टू की वैल्यू बहुत हाई होगी एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी वन इट इज ऑल्सो नोन एज सडन जंप इन आयोनाइजेशन एनर्जी दैट्स वाई ये इंडिकेट करता है कि एल्कली मेटल हैव

इन बोरोन फैमिली बोरोन फैमिली इट मीन आयोनाइजेशन एनर्जी फोर इज वेरी वेरी हाई देन आयोनाइजेशन एनर्जी थ्री तो यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरोन फैमिली में वो थ्री होंगे इसलिए इनका कॉन्फिग्रेशन भी एनएस टू एन पी वन होता है कार्बन फैमिली यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी जो फाइव है सडन जम एस कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी फोर दिस

जैसे मैंने यहां एक प्रॉब्लम लिखा है अ सडन जंप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एटम वुड बी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आपको ऑप्शंस गिवन है 1s2 2s2 2p6 तो स्टूडेंट ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो ऑब्वियसली नोबल गैस का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वही बहुत हाई होगा ये हमको इंडिकेट करता है कि ये नोबल गैस है आयनाइजेशन एनर्जी वन इज वेरी वेरी हाई इसके बाद हम देख रहे हैं जो बी ऑप्शन है वहां देखिए वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी वन इसका मतलब ये हुआ कि जब ये थ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तब ये नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अचीव करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी फोर यहां पर हाई होगी एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी थ्री तो यहां अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें इस सिचुएशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो वो कितने होंगे थ्री होंगे जबकि हमको यहां पर गिवन है कि सेकेंड और थर्ड आय एनर्जी के जो गैप है उसमें सडन जंप हो रहा है तो अब आप आ आज, जाइए यहां पर यहां फोर इलेक्ट्रॉन्स के बाद नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अचीव हो रहा है इट मीन आई फाइव इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू आई फोर तो यहां तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फोर हैं ऐसे अगर मैं यहां देखूं तो यहां देखिए ये यह 3s2 है इट मीन दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है तो आई थ्री बहुत हाई है एस कंपेयर टू आई टू तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज का जो गैप है इट इज वेरी वेरी हाई तो ये ही हमारा करेक्ट आंसर है डी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अब हम स्टूडेंट्स उसके ऊपर आ जाते हैं यहां नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकता हूं हाइड्रोक्साइड का नेचर जैसे इसके लिए एक प्रॉब्लम जनरली मैं जो बोलता हूं जैसे हम ले लेते हैं कास्टिक पोटाश. ओके जो कास्टिक पोटाश है जो केव होता है यह तो बेसिक है नेचर में वेरस जो हाइपोक्लोरस एसिड है हाइपोक्लोरस एसिड इसको हम एचओ डिफाइन करते हैं यह एसिडिक है नेचर यहां भी ओ OH एच है और यहां भी ओ OH एच है बट दोनों में डिफरेंस ये आ रहा है कि वन इज बेसिक इन नेचर अदर इज एसिडिक इन नेचर तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखिए जो के ओएच है ये अगर बेसिक है इसका मतलब K प्लस और ओ एच OH माइनस रिलीज हो रहा है, है ना और पोटेशियम एल्कली मेटल है एस ब्लॉक का है इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है लो है तो कैटायन बनाने की टेंडेंसी क्या है हाई है इट मींस इट रेडली गिवस के प्लस एंड ओ एच माइनस तो यहां पोटेशियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक देयर फोर इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो हैंस कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी इज हाई और अगर कैटाइन फॉर्मेशन टेंडेंसी हाई है तो इसका मतलब रेडली गिव्स रेडली गिव्स ओ एच आयन और अगर ये ओ एच आयन देता है तो इसका मतलब बेसिक इन नेचर क्लियर हो गया सभी को तो यहां क्योंकि लो आयनाइजेशन एनर्जी थी इसलिए इसने सप्लाई कर दी है क्लोरीन है ये तो पी ब्लॉक का है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बहुत हाई है अगर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है तो ये तो कैटाइन ही नहीं बना सकता तो यहां ये जो ओ एच बॉन्ड है इसकी हाई पोलरिटी होने के कारण ये कैसे पता चल रहा है मुझे कि हाई पोलरिटी है इसकी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है o और H का वो हाई है यहां पर डेल्टा e जो बॉन्ड OH का है वो हाँ है वो हाई एज कंपेयर टू डेल्टा ई एन ऑफ सी एल ओ बॉन्ड क्योंकि क्लोरीन और ऑक्सीजन ये तो दोनों ही बहुत क्लोज यहां पर हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है हाई पोलोरिटी होती है इसलिए यह क्लिव हो जाएगा और हमको सी एल ओ माइनस और प्लस एच प्लस मिल जाएगा इसका मतलब यह तो एसिड हो गया तो यहां हम मेंशन करेंगे क्लोरीन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक फैमिली देयरफॉर इट हैज high ionization energy hence low tendency to form cation and gives h plus ion therefore acidic in nature तो देखिए यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल के सामने आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यह निकल के सामने आता है कि जब भी हाइड्रोक्साइड में जो जैसे मैं इसको ओ एस से इंडिकेट कर लेता हूं तो ए अगर मेटल है मतलब लो आयनाइजेशन एनर्जी तो उसका हाइड्रोक्साइड बेसिक होगा और अगर ओ एच जैसे CLOH में ए नॉन मेटल है हाई आयनाइजेशन एनर्जी उसका हाइड्रोक्साइड एसिडिक होगा तो ये अपनी कॉपी में हम डिक्टेट कर लेते हैं और उसके बाद ऑक्साइड के नेचर पर तो जैसे मैं यहां पर ये लिख रहा हूं कि इफ हाइड्रोक्साइड यह एओ एच है देन इफ इन ए एच ए इज मेटल लो आयोनाइजेशन एनर्जी देयर फोर इट्स रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर ओके और ऐसे ही अगर एओ एच में ए नॉन मेटल है इट मींस हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है तो फिर इट्स रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड ये क्या होगा एसिडिक होगा नेचर में तो ये आपको याद रखना है ये आपको ध्यान रखना है और इस बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अलोंग द पीरियड अलोंग द पीरियड क्या जो एसिडिक करेक्टर है एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होगा क्यों बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है इंक्रीज वेरस अगर हम डाउन द ग्रुप देखेंगे डाउन द ग्रुप तो जो बेसिक करेक्टर है बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड वो इंक्रीज होगा क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है इंक्रीजेस तो अलोंग द पीरियड एसिडिक करेक्टर हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज हो रहा है और डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज हो रहा है बिकॉज यहां आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस तो जैसे आपको अगर एक ही फैमिली के डिफरेंट हाइड्रोक्साइड्स मिलते हैं जैसे मुझे लिथियम हाइड्रोक्साइड मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया रूबीडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया सीजियम हाइड्रोक्साइड मिल गया तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा सीजियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोक्साइड किसका नेचर होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बोरॉन फैमिली के हाइड्रोक्साइड बी ओ एच होल्थराइज एल ओ एच होल्थराइज तो हम डाउन द ग्रुप या अलोंग द पीरियड जो हाइड्रोक्साइड्स का नेचर है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो है ऑक्साइड्स का नेचर जैसे मैं मान लेता हूं जो ऑक्साइड है वो एम ओ है, है ना एम यहां पर कोई भी एलिमेंट है और अगर मैं इसके ऑक्साइड के नेचर को डिफाइन कर रहा हूं तो हमेशा एक्वा सॉल्यूशन में करेंगे वी कैन डिफाइन नेचर ऑफ ऑक्साइड इन एन एक्वास सोल्यूशन और एक्वास सॉल्यूशन में कैसे डिफाइन करोगे आप जैसे मैंने यहां एम ओ को वाटर में डिसॉल्व किया जैसे वाटर में डिसॉल्व किया अगर ये इमीडिएटली एम प्लस टू और ओ टू माइनस बना लेता है तो जो ओ टू माइनस है वो वाटर के साथ कंबाइन हो गया मतलब ऑक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयंस जनरेट कर देते हैं ये देखिए हाइड्रोक्साइड आयंस और अगर हाइड्रोक्साइड आयंस जनरेट हो गए इसका मतलब रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा हो गया बेसिक हो गया ओके okay? तो अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी से कैसे रिलेट है तो देखिए एमओ में अगर एम की आयोनाइजेशन एनर्जी लो है लो आयोनाइजेशन एनर्जी तो इसका मतलब ये इजिली कैटैन बनाएगा एग्रिडोन और इससे ओ2 माइनस आयन जनरेट करेगा ऑक्साइड आयन और अगर ऑक्साइड आयन जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये रेडली वाटर से कंबाइन होके हाइड्रोक्साइड आयन बना देगा यही तो हमको चाहिए बेसिक नेचर में उल्टा सोचिए अगर एमओ में एम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है तो ये तो रेडली कैटायन ही नहीं बना पाता ओ2 माइनस नहीं हो पाता वाटर से कौन रिएक्ट करता कोई नहीं इसका मतलब ये फिर बेसिक नेचर का नहीं होता इस टाइप के ऑक्साइड्स को हम एसिडिक बोलते हैं तो यहां हम इसको ऐसे लिखेंगे एमओ कैन बी बेसिक दैट इज आयोनिक ऑक्साइड ओनली व्हेन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एम शुड बी लो ये देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए तभी यह बेसिक या आयनिक ऑक्साइड होगा ओके okay? और अगर हम यहां एमओ को लिखेंगे कि कैन बी एसिडिक एसिडिक का मतलब कोवेलेंट ऑक्साइड ओनली वैन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एम शुड बी हाई तो यही कारण है कि हम जो एस ब्लॉक के ऑक्साइड्स होते हैं उनको जनरली कहां पर रखते हैं उनको हम प्लेस करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स में और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स ये बेसिक ऑक्साइड्स होंगे एंड ऑक्साइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये एसिडिक ऑक्साइड होंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये ओके okay? क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं यहां पर और ऐड करूंगा हा स्टूडेंट्स जैसे यहां पर मैंने देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है इसको ढंग से अपनी कॉपी के अंदर डिक्टेट कर लीजिए यहां से डायरेक्ट आपको जेई या नीट में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है न्यूट्रल ऑक्साइड्स कार्बन मोनोऑक्साइड एनओ एन टू ओ एंड वाटर दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ढंग से अपनी कॉपी में लिखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जितने भी मेटोलॉइड हैं उनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं एम्फोटेरिक जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेवियर शो करते हैं प्लस जिंक ऑक्साइड एलुमिन एल टू थ्री पीबी का ऑक्साइड पीबीओ पीबीओ टू एस एन ओ एस एन ओ टू बुरियम ऑक्साइड सी आर टू थ्री ये सब फ्रीक्वेंटली है, है यहां से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है तो इसलिए ये आपको एकदम टिप्स पर करके जाने हैं एग्जाम में

नेचर ऑफ़ ऑक्साइड के अंदर जो अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं अब मैं वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को यहां पर ऐड कर देता हूं तो तुमने ढंग से अपनी कॉपी के अंदर ये नोट कर लिया है कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं डायरेक्ट तुमको मैं बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है तैयार करिए रहिएगा जैसे यहां पर नेचर ऑफ ऑक्साइड में मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जैसे इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एम एन ओ बेसिक है एम एन ओ टू एम्फोटेरिक या न्यूट्रल नेचर में है और एम एन टू ओ सेवन एसिडिक है मैग्नीज़ के मतलब एक ही एलिमेंट के आपको अलग अलग ऑक्साइड्स यहाँ पर गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो देखिए इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पर एटम उसको यहां पर मेंशन कर लेते हैं जैसे एम एन ओ में मैगनीस प्लस टू है एम एन ओ टू में मैगनीस प्लस फोर है और एम एन टू ओ सेवन में मैग्नीस प्लस सेवन है अब जैसा अभी हम आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ के आए हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सब्रैक्ट करके हम कैटायन बनाते जाते हैं वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है इसका मतलब एम एन प्लस टू के केस में लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्यों क्योंकि सबसे कम चार्ज है प्लस टू है तो इसका मतलब कैटायन रेडली बन जाएगा कैटायन रेडली फॉर्मड तो कैटायन अगर रेडली बन गया इसका मतलब इजिली ओ टू माइनस देगा जो वॉटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन बना देगा हेंस एम एन ओ बेसिक है वेर जो एम एन प्लस सेवन है यहां तो हाइएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी हाइएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसका मतलब ये कैटाइन तो बन ही नहीं पाएगा इसका मतलब जब कैटाइन नहीं बनेगा तो ओ टू माइनस नहीं बनेगा और इसलिए हमने इसको लिखा है कि ये एसिडिक ऑक्साइड है इट मीनस कोवेलेंट ऑक्साइड है और आप देखिए यहां मैगनीस प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसका मतलब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसलिए इंटरमीडिएट का मतलब होगा कि यह या तो एम्फोटेरिक है एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है या फिर हम न्यूट्रल भी डिफाइन कर सकते हैं तो यहां मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट लिखा है जिसको अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लीजिएगा इफ एलिमेंट प्रेजेंट इन हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे वहां प्लस सेवन तो इट्स रेस्पेक्टिव ऑक्साइड विल बी एसिडिक मतलब जैसा हमने वहां लिखा है element अगर present है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मींस जैसे हमने कैटायन बना पाएगा में हमने MnO में Mn+2 को रेडिली बना दिया और अगर एलिमेंट प्रेजेंट है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो इसका जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होगा जैसा हमने MnO2 के, के केस में लिखा क्लियर हो गया सभी बच्चों को अच्छा आपको डिफरेंट ऑक्साइड्स भी कंपेयर करने के लिए एग्जामिनर बोल सकता है जैसे आप देखिए यहां पर मैंने मेंशन किए हुए एन ए टू ओ एम जी ओ एल टू ओ थ्री एस आई ओ टू पी टू ओ फाइव एस ओ थ्री अब ये थम रूल बना लीजिए कि मेटल का जनरली जो ऑक्साइड होता है उसमें भी एल्कली मेटल वो बेसिक होगा और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं जैसे पी ब्लॉक फैमिली के वो जनरली एसिडिक होंगे तो यहां पर भी हम कुछ ऐसे ही ट्रेंड देख रहे हैं NA2O और MGO, ये ब्लॉक एलिमेंट्स यह देखिए ए एल टू थ्री एम फोटे भी आपको मैंने बताया था एस आई ओ टू वीकली एसिडिक अब देखिए सिलिकॉन पर मैं चार्ज निकालता हूं तो यहां प्लस फोर फॉस्फोरस यहां प्लस फाइव है और सल्फर यहां प्लस सिक्स है तो जैसे जैसे नॉन मेटल के केस में यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उसका एसिडिक या कोवेलेंट नेचर जो है वो बढ़ रहा है इसलिए यह ऑर्डर है ये देखिए और एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल में किसके ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होंगे ऑब्वियसली सोडियम ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इन सब में क्या है लोएस्ट है बिकॉज ऑफ लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एसिडिक या कोवेलेंट नेचर का ठीक है ना क्लियर हो गया सभी बच्चों को नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए यहां पर मैंने फिर डिफरेंट ऑक्साइड्स दिए और आपसे पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए तो देखिए अभी हम डिस्कस करके आए कि जो वाटर है ये तो न्यूट्रल है न्यूट्रल ऑक्साइड अच्छा इन सभी में जैसे आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड है अच्छा इसकी जगह मैं यहां पे जैसे सीओ टू ले ले लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम सीओ टू कर लेते हैं ठीक है थीके? अब देखिए जो कैल्शियम है ये ऑक्साइड है एल्कली मेटल का एल्कली मेटल कॉपर का ऑक्साइड ये डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्साइड है और कार्बन ये तो पी ब्लॉक फैमिली मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का प्लस फोर है तो हम अब बहुत ईजली अरेंज कर सकते हैं जो एल्कली मेटल का ऑक्साइड है ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ तो इसलिए यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का पूछा गया था तो सी ए सबसे पीछे है, देन सी यू ओ वॉटर क्योंकि न्यूट्रल है और सबसे ज्यादा एसिडिक जो नेचर है एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो सीओ टू की होगी ये देखिए क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को ओके okay? इसकी जगह जैसे मैंने यहां पे लिखा है पी फोर ओ टेन एसओ टू और सीएल टू ओ सेवन ये सभी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं ऑल आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स तो इसमें भी हम क्या करेंगे सभी के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं तो जैसे पी फोर ओ टेन है तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा फॉस्फोरस के ऊपर चार्ज ये हो जाएगा प्लस फोर और क्लोरीन में कितना हो जाएगा यहां प्लस सेवन तो अब आपके सामने आंसर है जो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां पर ऑक्साइड का नेचर जनरली कैसा होगा एसिडिक या कोवेलेंट तो इसलिए हम यहां पर मेंशन करेंगे सीएल टू ओ सेवन इट हैज मैक्सिमम एसिडिक करेक्टर आफ्टर दैट किसका नंबर आएगा ये आएगा पी फोर ओ टेन और सबसे पीछे यहां पे एसओ टू आएगा ये करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो आई थिंक ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए यहां पे ये जो एप्लीकेशंस है आयोनाइजेशन एनर्जी की उनको अटैम करने में आपकी हमेशा हेल्प करेंगे अब मैं जो रेस प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिटी में कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूं हा स्टूडेंट्स जैसे अब मैंने यहां पे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंड भी बोलते हैं उसको लिखा है ई ए या डेल्टा एच ई जी ई जी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंड क्या है ये एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ एनायन आयोनाइजेशन एनर्जी ये कैटायन बनने की कहानी थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये एनायन बनने की कहानी है जैसे मैंने क्लोरीन जिसमें अभी जेड बाई e आप देख रहे हैं है. एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसको नियर बाय नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा बनाना चाहा तो क्लोराइड एनाइन ऐसे बनेगा नाउ इट हैज 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन बाय बाई रेशो डिक्रीज कर गया लो न्यूक्लियर चार्ज और इसलिए यहां

कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ऑब्वियसलीफ जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ईजिली इलेक्ट्रॉन एड होगा हाई न्यूक्लियर चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन फेवरेबली एड होगा इट मीन हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑब्वियस है एटॉमिक साइज के क्या होगा फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इस बेसिस पर मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई इन फॉर्मेशन ऑफ एनायन अगर मुझे एनायन बनाना है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू हाई हमेशा फेवरेबल है एनआईन रेडली बनेगा और इस बेसिस पर यह हम कंक्लूड कर सकते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में इन एल एफ पी टी अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस क्यों बिकॉज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जेडी डबल एफ वो इंक्रीज करता है देयर फोर टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन फॉर्म एनायन ये इंक्रीज करेगा क्लियर हो गया सभी बच्चों को और ऐसे ही अगर हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज होगा क्यों डिक्रीज होगा क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इसका मतलब एनायन बनाने की जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है ओके तो इस बेसिस पर अगर हम यहां पर कंक्लूड करें इन एल एफ पी टी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज हैं, वो किसकी होंगी नोबल गैसेस की होनी चाहिए लेकिन नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज क्या होती हैं? जीरो होती है क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करना ही पसंद नहीं करेंगे दे हैव ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इन एल एफ जो हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज हैं वैल्यूज वो हेलोजन फैमिली की है और हेलोजन फैमिली में भी सबसे टॉप पर है फ्लोरीन लेकिन यहां जो ऑर्डर हम पढ़ के आ रहे हैं नोट में यहां पर मेंशन करूंगा ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यह है क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन ये देखिए यह हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्लोरीन की है क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को तो यहां पर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये देखिए अगर मैं यहां पे फ्लोरीन से क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन जा रहा हूं तो फ्लोरीन से क्लोरीन यहां सडन जंप होता है साइज में सडन जंप इन साइज तो इससे क्या हुआ तो देअर फोर जब सडन जंप होता है साइज में तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो यहां पर डिक्रीज करती है देयर फॉर इलेक्ट्रॉन रेडली एडेड इलेक्ट्रॉन रेडली एड हो जाता है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं फ्लोरीन इसके आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन ये देखिए और फ्लोरीन का साइज सडन जंप हो गया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अगर इसका स्मॉल साइज है वेरी स्मॉल साइज तो इसका मतलब वॉल्यूम बहुत छोटा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी बहुत ज्यादा दिखेगी और जब हम क्लोरीन पर आए तो साइज में सडन जंप हुआ मतलब लार्ज साइज तो देयर फोर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इलेक्ट्रॉन वहां इजिली एंटर कर जाएगा पर अगर एंटर कर गया इट मीन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी तो फ्लोरिन से क्लोरिन में साइज में सडन जंप होने के कारण ऐसा हो जाता है Whereas, जब मैं से आयोडीन में आऊंगा तो अब यहां पर साइज में सडन जंप नहीं होता हम इसको बोलते हैं ग्रेजुअल ग्रेजुअली साइज इंक्रीजेस तो जब ग्रेजुअली साइज इंक्रीज होता है तो यहां पर हमेशा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है रेगुलर ऑर्डर वही यहां फॉलो होगा डिक्रीजेस क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को इसीलिए हम ये ऑर्डर हमेशा मेंशन करते हैं अच्छा क्योंकि हमने यहां पर कंक्लूड किया कि क्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू शो कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली ऐड हो रहा है है ना इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो यह खुद क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है दूसरों को क्या करेगा ऑक्सीडाइज लेकिन यह भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा जा चुका है कि फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन सभी हेलोजन में देन क्लोरीन तो स्टूडेंट इस इसका आंसर है बिकॉज ऑफ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन एटम ये देखिए ये आपको करके आना है इसका आंसर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है फ्लोरीन क्यों सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज ऑफ इट्स लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो इससे क्या हुआ ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो एटम बनेंगे और तभी आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है हेलोजन में वो भी डिस्कस कर लिया और वाई फ्लोरिन इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन और अदर हेलोजन वो भी हमने डिस्कस कर लिया तो ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लीजिए वी हैव सम मोर एक्सेप्शनल केसेस रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो मैं आपको बता रहा हूं तो जैसे मैंने यहां पर एक्सेप्शंस लिखे हैं रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो फर्स्ट एक्सेप्शन है वो तो अभी हमने वहां पर देखा कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है एक्सेप्शनली फ्लोरीन से ज्यादा है तो ये ऑलमोस्ट थर्ड पीरियड के सभी एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर हायर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स मतलब क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा सिलिकॉन की कार्बन से ज्यादा और सभी में जो हमने भी एक्सप्लेनेशन दिया वही यहां पर एक्सप्लेन आपको करना है सडन जंप इन साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पर आपको इसको एक्सप्लेन करना है ओके क्लियर हो गया सभी को सेकंड यह भी आपको भी मैंने बता दिया नोबल गैसेस हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है यही कारण है यहां पे मैंने नोबल गैसेस को नहीं लिखा व्हाई बिकॉज दे हैव ऑलरेडी स्टेबल एन एस टू एन पी सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देअर फोर दे डोंट लाइक टू एड फर्दर मोर इलेक्ट्रॉन यहाँ जो थर्ड एक्सेप्शन है वो मैं मैंशन करता हूं थर्ड एक्सेप्शन में अगर हम यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वन की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ एंथेलपी मतलब डेल्टा एच ई ये हमेशा नेगेटिव है वेयरस, अगर मैं इसकी जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थ्री इन सब की बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ एंथेलपी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच ई जी तो ये हमेशा स्टूडेंट पॉजिटिव होता है ये भी प्रॉब्लम एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है वाई इट हैपन्स हो तो जैसे इसको हम इस एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं जैसे ऑक्सीजन का मैंने एग्जाम्पल लिया ऑक्सीजन जो हम गैसियस फॉर्म में देखते हैं उसमें तो सबसे पहले बॉन्ड को डिसोसिएट करके हमने ऑक्सीजन एटम बना लिया ये एट प्रोटॉन एट इलेक्ट्रॉन है z बाई रेशो वन है इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया और इससे ये O माइनस गैस बन गया और प्लस मान लेते हैं इवन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई एनर्जी रिलीज लेकिन जैसे एनायन बना एट प्रोटॉन नाइन इलेक्ट्रॉन हो गए Z बाई रेशो e यहां पर लेस देन वन हो गया लो न्यूक्लियर चार्ज ये देखिए क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को तो अब अगर मैं यहां ओ माइनस में जो एट प्रोटॉन और नाइन इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन और जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लग जाएगा न्यूक्लियर चार्ज लो है तो यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रिपल्शन इसके कारण हमको अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी ये देखिए ये एनर्जी सप्लाइड है तब जाकर ये ओ माइनस टू बनाएगा तो अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ एंथेलपी लिखते हैं वैल्यू को जिससे एनाइन बना है डेल्टा एच ई जी तो हम यहां पर पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्लियर हो गया सभी को तो आपको अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में मिलता है कि व्हाई इट सो तो आपको आंसर देना है बिकॉज ऑफ लो न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और यहां अगर मैं ईवन को लिखता तो मैं इसको इन टर्म्स ऑफ एंथेलपी ऐसे लिखता ये माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है डियर स्टूडेंट्स इसको ढंग से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और जैसे अगर मैं सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड में देखूं बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन या एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे इंक्रीज हो रही है लेकिन जो नाइट्रोजन का केस है नाइट्रोजन क्योंकि हाफ फिल्ड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट है तो नाइट्रोजन या फास्फोरस के केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो यहां मैं ऐसे मेंशन करूंगा ये देखिए ये एक्सेप्शनल केस है तो नाइट्रोजन या फास्फोरस अगर हम ऐसे यहां पे भी लिखते हैं तो देखिए ये ऑर्डर होगा तो क्या एक्सप्लेनेशन है दे हैव हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन और इफ दे हैेशन तो डेफिनेटली यहां डिफिकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में एनायन बनाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू लो होगी तो ये सारे जो एक्सेप्शनल केसेस हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड वो आपको मैंने यहां पर बता दिए हैं कुछ प्रॉब्लम्स मैं यहां पर ऐड करके फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर आ जाता हूं हां बच्चों जैसे ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है मैंने इसमें लिखा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल वन ऑफ सोडियम इज 5.1 पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ड देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड ऑफ सोडियम के टाइम यहां पर जब सोडियम में से हम वन इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करके सोडियम केटाइन बना देते हैं अब ऑब्वियसली अगर मैं सोडियम केटाइन से वापस सोडियम पर आना चाहता हूं इसका मतलब वी हैव टू एड वन इलेक्ट्रॉन अब हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ये आपसे पूछ रहा है तो देखिए सोडियम की जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सोडियम केटाइन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इन टर्म्स ऑफ एन्थैल्पी इक्वल होगी तो यहां पर अगर मैं इसको लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ एन्थैल्पी तो देखिए मैं यह लिखूंगा यह हो जाएगा माइनस फाइव पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहां स्टूडेंट जो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी का वो माइनस फाइव पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो ढंग से आपने समझ लिया फर्स्ट आयोनाइजेशन जो एनर्जी है सोडियम मेटल की इट इज इक्वल टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ सोडियम एन ओके मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है डिफरेंस केवल साइन का है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे इस प्रॉब्लम को जरा समझे हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स विल बी आयोनाइज जैसे आप देख रहे हैं क्लोरीन से क्लोरीन कैटायन बन रहा है इसका मतलब ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है बाय द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द प्रोसेस क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके सी एल माइनस बना रहे हैं फॉर सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स क्या मतलब है इस प्रॉब्लम का हमको यहां पर बोल रहा है जब मैं क्लोरीन को सी एल माइनस में कन्वर्ट करूंगा इसका मतलब एनाइन बनाऊंगा तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो अगर एनर्जी यहां यूज कर ली जाए मतलब उतनी एनर्जी यहां क्लोरीन एटम को सप्लाई कर दी जाए तो कितने क्लोरीन क्लोरीन कैटायन में कन्वर्ट हो पाएंगे और इसके लिए आपको क्लोरीन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन है तो देखिए सबसे पहले जो मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन है उससे क्या समझ में आ रहा है 350 किलो जूल 350 10 की पावर 3 जूल पर मोल इससे यह समझ में आ रहा है कि 1 मोल क्लोरीन को अगर Cl- में कन्वर्ट करना है तो हमको इतनी एनर्जी रिलीज होती है 6.02 पॉइंट जीरो की पावर 23 क्लोरीन कन्वर्ट इंटू सी एल माइनस बाय थ्री फिफ्टी की पावर 3 जूल एनर्जी मतलब दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ये एनर्जी रिलीज्ड है अब ये एनर्जी अगर मैं क्लोरीन एटम को जो न्यूट्रल क्लोरीन एटम है उनको सप्लाई कर दूं तो कितने क्लोरीन कैटायन बन जाएंगे तो देखिए यहां मुझे जो आयनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है पर मोल वो इतना है तो सबसे सब पहले हम लिखेंगे क्या कि वन टू फाइव जीरो इंटू टेन की पावर थ्री जूल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ 6.02 पॉइंट इंटू टेन की पावर 23 क्लोरीन एटम्स इंटू क्लोरीन कैटायन तो देअर फोर अब जो मेरे पास एनर्जी यहां पर अवेलेबल है ये है 350 फिफ्टी इंटू टेन की पावर 3 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड कितने एटम्स के लिए रिक्वायर्ड होगी तो ये हो जाएगा 6.02 पॉइंट की पावर 23 डिवाइड बाय 1250 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 350 फिफ्टी की पावर 3 ये देखिए ये नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स आ गए जो तुम Cl प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है तो स्टूडेंट अब मैं इसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर आ जाता हूं हाँ बच्चों नेक्स्ट जो मैंने प्रॉपर्टी यहां लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम टूवर्ड्स इट सेल्फ इन गिविन कोवलेंट बॉन्ड स्टूडेंट ये रिमाइंडर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी आइसोलेटेड एटम की नहीं होती है इसके लिए मुझे हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगी उसी में मैं दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर कर सकता हूं जैसे एस तो क्लोरीन 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन इट मींस क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है बहुत रिच है और ये देखिए क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन इमीडिएटली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है

जो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है स्ट्रांगली किसी एक एटम के पास अट्रैक्ट होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के इस बेसिस पर इन एल एफ पी टी अलॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इंक्रीज बिकॉज जेडी डबल एफ क्या हो रहा है इंक्रीज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है इस बेसिस पर यह कंक्लूजन किया जा सकता है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की होती है उसमें भी हेलोजन्स की होती है और सबसे टॉप पर कौन सा एलिमेंट है फ्लोरीन है हाँ बच्चों अगर मुझे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मेजर करना है तो यहां से आपको प्रॉब्लम जो मैं सोच रहा हूं या तो मुलिकन स्केल के ऊपर मिलेगा मुलिकन स्केल पर किसी भी एलिमेंट ए की इलेक्ट्रोनविटी को मैं एक्स ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट है तो अकॉर्डिंग टू मुलिकन उस एलिमेंट ए का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका एवरेज ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो ये तुम मुलिकन स्केल याद रख सकते हो ओके पॉलिंग स्केल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो डिफरेंट बॉन्ड्स के हैं उसके बेसिस पर पॉलिंग ने डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सजेस्ट किया आगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में और हम जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स हैं मेनली पॉलिंग स्केल पर जो वैल्यूज हैं उनको कुछ एलिमेंट्स की एटलीस्ट याद रख सकते हैं जैसे ऐसे याद रखिएगा फॉन्सल ब्रिक्सी ये देखिए फॉन्सल ब्रिक्सी में फ्लोरीन इसको पॉलिंग स्केल पर फोर वैल्यू असाइन की गई है ऑक्सीजन 3.5 नाइट्रोजन 3 है क्लोरीन थ्री है ब्रोमीन टू पॉइंट एट है कार्बन टू पॉइंट फाइव है सल्फर टू पॉइंट फाइव है आयोडीन टू पॉइंट फाइव है जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे टू पॉइंट वन है तो एटलीस्ट मुझे ये याद होना चाहिए फॉन्सल ब्रिक्सी कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं इसके बेसिस पर आपको किस टाइप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं वो मैं आपको बता दे हाँ बच्चों मैंने एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को यहां पर हाईलाइट कर दिया है और हम आगे जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उसमें और कुछ एप्लीकेशन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फ्रीक्वेंटली वहां पर डिस्कस करेंगे जैसे ये अभी हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज एस करेक्टर परसेंटेज एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के जैसे इथीन, इथाइन ये आपको भी मैं बॉन्डिंग में टिप दूंगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का इथाइन में कार्बन एसपी हाइब्रिडाइज है इसका मतलब यहां एस का कंट्रीब्यूशन 50 परसेंट है इथीन में बोथ कार्बन एटम्स आर एसपी टू तो परसेंटेज एस करेक्टर थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट है और इथेन में एस पी थ्री एस पी थ्री हाइब्रेडाइज है परसेंटेज एस करेक्टर ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो जहां सबसे ज्यादा एस करेक्टर होता है उसके एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि एस न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है तो यहां दिस कार्बन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन केस ऑफ एथाइन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड एच एफ एस सी एल एच बी आर एच आई ऑल आर हेलोजन एसिड्स आपसे पूछा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट हेलोजन एसिड्स कौन से हैं तो इसमें सबसे टॉप पर है एच आई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये देखिए पॉलिंग स्केल वाली वैल्यूज मैंने लिखी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यहां जो डेल्टा ई एन है इलेक्ट्रोनेगिटिटी का डिफरेंस वो हाइएस्ट है लेकिन ये वीकेस्ट एसिड है तो ये एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो यहां स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच आई बॉन्ड क्योंकि आयोडीन का साइज लार्जेस्ट है इसलिए लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो ये इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है ओके okay? एक और बहुत इंपॉर्टेंट जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज एटम पर बढ़ता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है क्यों पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो उसको डिक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा ऑब्वियसली वो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सो दैट पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाए और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इज वॉट क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो देखिए एफ ई प्लस फोर मैंने यहां पे मेंशन किया है प्लस फोर ना लिखें थ्री और प्लस टू ही रहने देते हैं उसमें एफ ई प्लस थ्री इज सेट टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एफ प्लस टू इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या हमने सीखा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम क्लियर हो गया सभी को तो ये स्टूडेंट आज हमारा जो डिस्कशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ जो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर फिनिश हो गया और मैं ऐसा होप कर रहा हूं कि जितने भी पॉइंट्स और प्रॉब्लम्स को मैंने इस चैप्टर में कवर किया आपके लिए सब बहुत हेल्पफुल और यूज़फुल होंगे और इनके बेसिस पर जो भी प्रॉब्लम्स आपको मोमेंटम की तरफ से प्रैक्टिस करने के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपसे बन जाएंगे आप अटैम्प कर लेंगे इसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के ऊपर अब आ जाएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे और इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो सब भी आपने बहुत ढंग से उनको रिवाइज कर लिया होगा और होप ये जितने भी लेक्चर्स आपके हो रहे हैं आपका एक क्विक रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा होगा आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए कीप प्रैक्टिसिंग